सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। आज की इस वीडियो में हम BLO साथियों के लिए प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जब आप किसी भी फॉर्म में एपिक नंबर फिल करके फैच डिटेल करते हो तो आपके सामने मैसेज आता है नोट रिकॉर्ड फाउंड, यानी इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो वो किस किस कारण से हो सकता है, इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी का एपिक नंबर फिल करते हो तो आपको डिटेल शो होनी ज़रूरी है, उसी के बाद आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम वो रीज़न आपको बताने वाले हैं किस किस कारण से आपको ये मैसेज शो होता है। तो एक बार हम आपको ये प्रोसेस करके दिखाते हैं। जैसे ही आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्म्स पर क्लिक कर देना है, यानी आपको एक मतदाता को आधार कार्ड से लिंक करना है। किस प्रकार से करते हो आप सभी को पता है। फॉर्म 6 पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जब एपिक नंबर फिल करना होता है तो फैच डिटेल में आपको नोट रिकॉर्ड फाउंड होता है। तो एक बार हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे वो किस कारण से होता है। या तो मतदाता का वोट मतदाता सूची से हट गया हो, डिलीट हो गया हो, या जैसे कि आप सभी को पता है जो वोट 1997 से बने हुए हैं वो HR की सीरीज से शुरू होते हैं। वोटर कार्ड पर जो एपिक नंबर प्रिंट हुआ होता है उस वोटर कार्ड में हमें 10 एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है। जो वोटर लिस्ट में तो आपके ऐड है, लेकिन मतदाता के जो वोटर कार्ड है उस पर प्रिंट नहीं होती। तो वो किस प्रकार से करना है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। साथियों, जो नंबर हम फिल कर रहे हैं वो केवल आपको समझाने के लिए काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक एपिक नंबर फिल करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही मैंने नंबर फिल किया है HR/09/44/231526 और फैच डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैसेज आता है नो रिजल्ट फाउंड, यानी नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो साथियों, ये जो नंबर है मैंने मतदाता के पहचान पत्र से उठा के यहाँ पर फिल किया है। अब मैं वोटर लिस्ट में से, जैसा आप सभी को पता है, 10 एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जैसे मैंने पहले बताया था। वो करनी कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट के 6 डिजिट हैं उनसे पहले आपको वो जीरो फिल लगा देनी है। तो एक बार मैं आपको जीरो ऐड करके इसमें दिखाता हूँ। हमने जो लास्ट के 6 डिजिट है उनसे पहले जीरो ऐड कर दी है और फर्स्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए साथियों, वी हैव फाउंड ए रिकॉर्ड फॉर योर इंटर वोटर आईडी, प्लीज़ प्रोसीड। यानी जो आपने जीरो लगाई थी उससे आपका जो एपिक नंबर का रिकॉर्ड है वो शो हो जाता है। तो साथियों, ये सीरीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पुरानी है, जो नई सीरीज है वो वोटर लिस्ट में आपको मिल जाती है। ये आप चेक कहाँ पर कर सकते हैं, BLO साथी इसको अपने जो टोटल इलेक्टर है वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक कर लें कि वर्तमान में मतदाता का एपिक नंबर क्या चल रहा है, या आपकी वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट साथ के साथ अपडेट नहीं होती है, लेकिन आपके गरुड़ा ऐप का जो डाटा है, टोटल इलेक्टर डाटा है, जैसे ही फार्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ पर वो नई सूची में दर्ज हो जाता है। एपिक नंबर चेंज हुआ है तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो साथियों, आप इस अभियान में लगे हुए हो तो ये समस्या आपको बिल्कुल सामने आ रही है। हमारे पास बहुत सारे BLO साथियों के कॉल भी आते हैं कि रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है। तो हम यही सजेशन करते हैं साथियों, एक बार आपकी वोटर लिस्ट में ये ज़रूर चेक कर लें कि वर्तमान में मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है। यदि है तो एपिक नंबर क्या है। मतदाता पहचान पत्र से बहुत बार क्लियर नहीं होता, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो साथियों, यदि आपका डाउट क्लियर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
यदि कोई आपको समस्या है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख दें। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताइए साथियों। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे प्लीज़ YouTube चैनल प्रवीण ढुंडवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।